tin tata din din tata din nana din din na tin tin tata din tadi tada aaye tabla ke saath जटा में गंग बिराजे। वाह मेरी माता की देख ली। हाँ भोले बाबा की जटा में सुरसरी मां गंगा की धारा शोभायमान है। हमारे भारत के संत विद्वान चित्रण कर रहे हैं महाराज, मां गंगा का स्थान हमारे देश में कितनी ऊंचाई पे स्थित है। महाराज गंगा कितनी ऊंचाई पे है? नीचे बहे वारी, नीचे बहे वारी, तापे कच्छप सवार रहे, कच्छप की पीठ पे सवार शेष कारा है, शेष पे सवार अवन भार सो दबाए रही, अवन पे सवार सिंह पर्वत विस्तारा है, पर्वत पे सवार कैलाश शिव धाम रहे, कैलाश पे सवार नंदी असुर समर मारा है, और नंदी पे सवार शंभु और शंभु पे सवार जटा और जटा पे सवार मातु गंगे की। बोलिए गंगा महारानी की। और महाराज हम तो देखते हैं कि जहां पे बात मां गंगा की आ जाती है तो पुरुषों से ज्यादा हमारे देश की माताएं बहने गंगा पे श्रद्धा रखती है महाराज, पुरुष भाइयों से ज्यादा। कभी पूर्णिमा वगैरह में जाके देखे नजारा भाई, हम लोगों के तो तीन चार कार्यक्रम वार्षिक सेट है दादा, वार्षिक कार्तिकी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, तो जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं कि गंगा घाट पे पुरुषों से ज्यादा माताओं बहनों की भीड़ रहती है महाराज। और माताओं बहनों की इन लोगों की आदत होती है कि जब गंगा नहाने जाएंगी ना माता जी, तो अपने खाने पीने का सारा सामान, पूरी सब्जी कचौड़ी नमक मिर्चा खटाई अचार धूंधा पीड़ा महाराज सब खाने की सामग्री एक बढ़िया झोला में पैक करके, और वो झोला को अपने सर पे रख के हो। और माताओं बहनों की आदत होती है गंगा नहाने जाएंगी तो गाना माता जी जरूर गई है, चाहे बने चाहे ना बने गाना जरूर। अरे भाई अभी पिछली पूर्णिमा की बात हम आपको बताएं, हम भी जा रहे थे गंगा घाट पे कार्यक्रम देने के लिए, रास्ते में हमने देखा 10-12-15 गांव की माताएं गंगा स्नान के लिए जा रही थी, खाने पीने का सारा सामान माता जी झोला में पैक और उसको अपने सर पे रखे, और गंगा से मिलने की उत्कंठा में इतना प्रसन्न थी कि एक गाना गाते हुए जा रही थी माता जी। वो गाना हमें इतना बढ़िया लगा, वो गाना इतना सुंदर लगा हमको कि उस गाने की दो लाइनें हमको आज तक याद है। 4-5 महीना हो गया, बाकी तो भूल गए लेकिन दो लाइनें याद हैं। अगर आप लोग कहें तो हम आपको सुनावें।
ये माता जी कही है तब मैं सुनाऊ, सुना दे माता। अच्छा सुनिए, गंगा नहाने जा रही है और गंगा से मिलने की खुशी में बड़ा प्रसन्न है, गाना गाना चल रहा है, सैया तो है हमारे राजा, सैया तो है हमारे राजा, अब कहो तो जीने दारी देवाए दई, सैया तो है हमारे राजा, कहो तो जीने दारी, सैया तो है हमारे राजा, कहो तो जीने दारी देवाए दई, सैया तो है हमारे राजा, कहो तो जीने दारी देवाए दई, सैया और माता जी बहन जी दूसरी लाइन तो बहुत ही गजब करेगी, कहो तो जिलेदारी देवाए दे, और बिना कोयला बिना पानी, बिना कोयला बिना पानी, कहो तो रेलगाड़ी चला, लेकिन महाराज जहां पे बात मां सुरसरी पे गंगा पे श्रद्धा की बात आती है तो पुरुषों से ज्यादा माताएं बहने। एक गांव की रहने वाली महिला परेशानियों से परेशान होकर, माता जी गांव की रहने वाली लखनिया पर, परेशानियों से परेशान होकर गंगा की शरण में आती है और गंगा महारानी से रो रो के अपना दुखड़ा सुनाती है। गंगा जामुनवा के बिछवा, जामुनवा के बिछवा, गंगा जामुनवा के बिछवा, देवैया एक तप करे हो, गंगा जामुनवा के बिछवा, देवैया एक तप करे हो, जब बात जब बात भैया
ने पूछा बहन कि तोरे सास ससुर दुख कि नैहर दूरी बसो हो गोइया की तोरे पिया परदेश कौन दुख डूबो हो। गंगा महारानी ने पूछा बहन इतने सारे दुखों में तुझे कौन सा ऐसा दुख है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो तू गंगा में डूब जाना चाहती, मर जाना चाहती, जल्दी बोल। उस समय स्मृति ने कहा मां नाम रे सास ससुर दुख नैहर दूर बसो गंगा मैया नाम रे पिया परदेश। गंगा मैया हमारे पिया प्राइमरी स्कूल में शिक्षा मित्र में रोज 4 बजे के पहले ही पढ़ा के आ जाते हैं। गंगा ने कहा पागल फिर क्यों मर जाना चाहती रे, फिर कौन सा दुख है। उस प्रेरणी ने कहा मां क्या बताए, हमारे विवाह को 200 वर्ष हो गया मां, लेकिन आज तक हमारी गोद सूनी पड़ी है। नाम रे पिया परदेश सिर्फ कोखी दुख डूबो हो। गंगा माननी ने कहा जाहु देवैया घर अपने, हम तुमका लहर नहीं दे भई हो। लेकिन बहन मैं गंगा हूं, मैं तुमसे वादा करती हूं कि आज के नवे महीना। गंगा माननी ने कहे जा आज 13 फरवरी 2020 से गिनना शुरू कर दे, आज से काउंटिंग चालू कर दे, आज के नवे महीना होरी ना तोड़ होई है। आज के नवे महीना होरी ना तोड़ होई है, नवे महीना होरी ना तोड़ होई है, नवे महीना होरी ना तोड़ होई है। Oh,
अरे मैं तो कहता हूं बाबूजी हंसने वाली बात दूर की है, लेकिन कभी थोड़ा सा चिंतन और विचार करने की बात है महाराज कि मां मां का कर्ज एक जन्म नहीं महाराज सात जन्म में भी नहीं उतारा जा सकता। मां का कर्ज, मां का ऋण, क्योंकि नौ महीने जब हम आप अपनी मां के गर्भ में होते हैं तो माताओं को वो दर्द वो कष्ट कि ना तो तन को ज्यादा चाह पी जाए, माता की चाह, ना तो तन को ज्यादा भोजन। अरे महाराज ये मां का मजबूत दिल जो नौ महीने उस दर्द को सहन करता है महाराज, इसीलिए हमारे देश में मां का स्थान सबसे ऊपर एक नंबर पे रखा गया महाराज। मां का स्थान सबसे ऊपर एक नंबर, भारत माता की जय बोली जाती है, भारत पिता की नहीं, भारत माता की जय। अच्छा ये बताइए माता जी, अमेरिका माता की जय कोई बोलता है क्या, जर्मनी माता, इंग्लैंड माता, बेंगी श्रीलंका माता, कोई नहीं बोलता। लेकिन जहां पे भारत की बात आ जाती है तो हमारा सनातन धर्म उछल जाता है, भारत माता की जय। तो हमारे भारत की कोई भी मां ये नहीं चाहती कि उसकी कोख का बच्चा गुंडा चोर आतंकी पैदा हो महाराज, कोई मां नहीं चाहती। हर मां की एक कामना होती है कि उसकी कोख का बच्चा बड़ा ही यशस्वी और यज्ञ भगवान भोले बाबा का परम भक्त पैदा हो। इसलिए उस प्रेमी ने कहा मां गाहा बारी पियारी चढ़ाओ बे, कब लालन जब होई है हो, गंगा मैया दे भागीरथ अस पूत जिसमें जागत जस गावे हो, मैया दे जगत जस गावे हो, रथ अस पूत जगत जस गावे हो, मैया दे जगत जस पूत जगत जस गावे हो। ओ महाराज गंगा महारानी पवित्र कितनी है, गंगा की पवित्रता का बहुत कीमती भाव आपको देने जा रहा हूं। गंगा महारानी कितनी पतित पावनी है, एक पापी अपराधी मरी गयो। एक बार की बात है, एक बड़ा महान पापी था महाराज, दादा इंटरनेशनल पापी, ओसामा बिन लादेन से कमजोर नहीं रहा वकील साहब, एक वो नया निकला है ना मसूद, मसूद दादा, उससे भी बड़ा पापी, वो बिल्कुल एकदम मर गया तो लोगों ने क्या किया, डाल दियो गांव के बाहर शरीर सब सरी गयो। इतना महान पापी वो कि सोनियों सियार ताही सूंघी सूंघी लौटी जात, ऐसे अपराधी का न भोजन कोई करी गयो। इतना महान पापी महाराज, लेकिन गंगा महारानी कितनी पावन है, गंगा ते नहाई काग ताही ऊपर बैठी गयो। एक दिन एक काला कौवा डाल पर से उड़ा और गंगा में डुबकी मार के उस पापी के ऊपर ताही ऊपर बैठ ही गयो, और बैठ के झारी दियो रेणु पंख ताही मुख पारी गयो। तो उस एक बूंद गंगा जल के प्रभाव से काहे कभी शुक्ल गंगा जगदम्बा के प्रभाव ते, ऐसे पापी अपराधी भव सागर से। बोलिए गंगा महाराज।
निष्ठा जी महाराज भोले बाबा के बावांग में माँ भगवती पार्वती जी विराजमान है। बोले भगवती महारानी की, महारानी गिरिजा को दासी बनाने के लिए भोले बाबा दुल्हा बन के पहुंचे। अरे आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गे, कहीं पर भी विवाह वगैरह होता है, बारात आती है, नया दुल्हा आता है माता, नया दुल्हा न्यू, तो हमारे देश की माताएं बहने ये लोग दुल्हा देखने के लिए परेशान रहती है महाराज। माताएं बहने दुल्हा देखने में बड़ी आगे महाराज, माताएं बहने ललायत रहती है दुल्हा देख। शंकर भगवान दुल्हा बन के पहुंचे, उनको सखियां देखने के लिए टूट पड़ी महाराज, और उनमें कई प्रकार की सखियां हैं भाई, कुछ शहर वाली है कुछ देहात वाली है। शहर की माताओं बहनों का देखने का भाव अलग है और देहात की सखियों का देखने का भाव अलग है। दोनों भाव आपको दिखा रहा हूं, पहले शहर की माता है नंबर एक, कोई कोई तो इस प्रकार देख रही है नंबर एक। अरे आई शिव जी की बरतिया ही मान चले, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना और नंबर दो, कोई कोई इस प्रकार देख रही है नंबर दो, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे। और नंबर तीन, कोई कोई इस प्रकार, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे। और देहात वाली माताएं बहने थोड़ा कम पढ़ी लिखी है महाराज, लेकिन भाव और श्रद्धा देहात वाली कैसे देख रही। नंबर पांच, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आई शिव जी की बरतिया ही मान चलना गरे, आखिरी भाव दिखा रहा हूं आपको। बैठे बैठा कुछ माताएं बहने ऐसी भी हैं जो आज
शंकर भगवान को देखने के लिए आई दुल्हा रूप में, तो अपने नन्हे मुन्ने बेटा को भी साथ में लाई। आई उन्होंने कैसे देखा, नंबर 6, आई शिव जी की बरतिया, आई शिव जी की बरतिया, आई शिव जी की बरतिया, का छोटा और कोई लंबा कोई मोटा। महाराज भोले बाबा की बारात की विशेषता में तो हमारे तुलसी बाबा जी ने रामायण में चित्रण किया है। महाराज लिख रहे हैं, जस दूल्हा तस बनी बराता। इनके बारात थोड़े रही दादा। अरे भाई अगर बारात होती तो तुलसी बाबा श्री रामचरित मानस में बारात लिखते महाराज, बिना मतलब में आ की मात्रा। लेकिन इनकी बारात थोड़े है बहन जी, माता जी इनकी क्या है, बाराता जी। तो कैसी बाराता है, को मुख ही नदी बोले मुख नंबर 1 कोमुखहीन। बाबूजी एक दो नहीं, कम से कम 150-200 बाराती ऐसे हैं बारात में शंकर भगवान के, जिनके दादा मुंह नहीं मुखहीन। माता जी अब लड़की वाले लिहे प्लेट मां सफेद वाला बड़कवा छेना बड़ा वाला प्लेट मली है, जनवासे में टहल रहे हैं दादा बराती सब न मुहे के। अरे भैया मुहे नहीं तो बराते काहे आ गए महाराज। अरे यहां तक हो गया, घरातियों ने जनवासे से दादा घर को अल्टीमेटम भिजवा दिया, हलवाई को रोको, पूड़ी सब्जी कचौड़ी तंदूरी मिठाई सब बंद करो पुलाव। अरे भाई बराती सबिना मुंह के हैं, कौन खाएगा हो? लेकिन जरा सा आगे बढ़े तो फिर बराती नंबर 2 विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू। कम से कम 150-200 बराती ऐसे हैं जिनके शरीर भर में ऊपर से नीचे तक माता जी आगे से पीछे तक खाली मुंह है मुंह। अब लड़की वाले बेचारे बड़े परेशान कि दादा कौने मुंह की तरफ कुल्हड़ पत्तल रखा जाए, असली वाला मुंह कौन सा है दादा। और बराती नंबर 3 बिनु पद करे, बिनु पद कर। कम से कम 150-200 बराती जिनके पैरे नहीं है महाराज, सब जनवासे से घर तक रास्ते में सड़क पे लौट रहे हैं। ओ कोमु बाहु पद बाहु। बराती नंबर 5 विपुल नयन को नयन बिही, बराती जो दोनों आंखों से एकदम कतई अंधे। बहन जी एकदम अंधे,
जनवासे में चिल्लाए रहे लाओ रसगुल्ला समोसा हमारे मुंह में डालो आ दिखाई नहीं पड़ रहा महाराज। ओ हष्ट पुष्ट तुम आती ताने खीना बोले शंकर भगवान की। लेकिन देखिए लड़की की शादी में पिता से ज्यादा प्यार पिता से ज्यादा ममत्व बेटी पर मां को होता है महाराज। पार्वती महारानी की माता जी महारानी मैना जी ने जब ऐसे दिगंबर दुल्हा और भूत प्रेत बरातियों को देखा तो कह रही है उमा मोरी छोटी उमा मोरी छोटी उमा मोरी छोटी ओ यहाँ पर बूढ़ो उमा मोरी छोटी यहाँ पर बूढ़ो उमा मोरी छोटी यहाँ पर बूढ़ो उमा मोरी छोटी यहाँ पर बूढ़ो। उमा मोरी शीश जटा में गंग विराजे शीश जटा भस्म अनंग भस्म अनंग। हम तो महाराज बड़े बड़े मंत्रों से कह देते हैं कि जा अगर हमारे भोले बाबा सोने की भस्म लगाए ना महाराज सोने की भस्म माता जी बहन जी अगर शंकर भगवान सोने की भस्म लगाए तो हमारे राजकिशोर भैया पीछे नहीं हटेंगे। शंकर भगवान को सोने की भस्म प्रदान की जाएगी महाराज। लेकिन भोले बाबा और कोई भस्म नहीं लगाते चीता की भस्म लगाते हैं महाराज। और चीता की भस्म क्यों लगाते हैं आज लखनियापुर दरबार में जान लीजिए। मुदित महेश ने सुना है राम नाम सत्य चीता की राख क्यों लगाते हैं। एक बार की बात है एक गांव में एक व्यक्ति का अंतकाल हो गया था। गांव के लोग उस व्यक्ति के शव को गंगा घाट ले जा रहे थे दाह संस्कार करने के लिए और बराती लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है और सब असत्य है। मुदित महेश ने सुना है राम नाम सत्य तो साथ लगे शव के भोले बाबा भी चुपके से बारातियों के पीछे लग गए महाराज और पूरे रास्ते भर कीर्तन करते रहे राम नाम सत्य है और सब। लेकिन भैरव नहीं राम नाम कहते घर घूमे लोग लोगों ने उस व्यक्ति के शव को ले जाके गंगा घाट पे रख दिया महाराज। रखने के बाद फिर किसी ने नहीं कहा राम नाम सत्य है। अरे हमने तो बहुत सारे दाह संस्कार के कार्यक्रमों में देखा है दादा कि लोग शव को ले जाते हैं गंगा घाट पे और चीता पे रख देते हैं चीता पे शव जल रहा है और बराती लोग बगल में होटल में दहिला पकड़ हो रहा दादा चिलम रानी। एक नहीं 20 कार्यक्रमों मैंने देखा। शंकर भगवान बड़ी देर तक
इंतजार करते रहे कि शायद अब कोई कह दे राम नाम सत्य है, किसी ने नहीं कहा। तो आशा में बंधे वे उनके द्वार तक आए हैं। जिस गांव से, जिस घर से वो शव निकला था, शंकर भगवान उस घर तक वापस आए महाराज, इस विश्वास के साथ कि अब शायद कोई कह दे राम नाम सत्य है, किसी ने नहीं कहा महाराज। तो भोले बाबा दौड़े और विचार करने लगे, राम नाम सत्य का प्रचारक वही शव ही था। सोच कर शंकर चिता के समीप आए हैं, राम नाम सत्य प्रेमी मेरी संप्रदाय का है। यही है तू चिता की राख शंकर लगाए। बोले शंकर भगवान की, भस्म भस्म अनंग चंद्र सत कोटि, यहाँ बर बूढ़ो माँ छोटी, यहाँ बर बूढ़ो माँ छोटी, यहाँ बर बूढ़ो। उमा मोरी छोटी यहां पर बूढ़ो, हमारे भोले बाबा और भगवती के प्रेम में संत विद्वान कह रहे उमा मोरी छोटी यहां पर बूढ़ो। लेकिन अब आजकल के मियां बीबी का प्रेम कैसा हो गया जरा वो भी जान लीजिए एक लाइन में, बस एक लाइन में भाव आपको दूंगा। अरे द्वारे से सैयाई, ये आजकल के मियां बीबी का प्रेम, द्वारे से सैया आए, 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 द्वारे से सैया, द्वारे से सैया आए, ओ हंसत बोलत आए, हंसत बोलत आए। दादा चाहे सैया चाहे चौराहा पर, माता जी चाहे मारे खाए के आए हैं, चाहे नीम गांव में मारे गए हुए दादा, लेकिन घर में आए और जरा से घूंघट की छवि को देखा तो हंसत बोलत आए, हंसत बोलत आए, उसकी छटत आए, उसकी छटत आए, हंसत बोलत 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 आए। ओ आके कहते धाना काहे तोरा जियारा मलीन, और कुछ लोग तो ऐसे कहते धाना काहे तोरा जियारा मलीन, महाराज। और कुछ लोग तो आरती भी उतारने लगते हैं। आइए, आप लोगों ने अनेकानेक आदि शक्ति महारानियों की आरती सुनी है। आज पूर्णाहुति की पावन बेला पे हम आपको दो लाइनों में पत्नी महारानी की आरती सुना रहे हैं। अनमैरिड लोग रिकॉर्ड गए हैं काम दई दादा। अरे जय हो, जय हो हे पत्नी रानी, करती हो तुम मनमानी बातें हमारी हरदम तारती, ओ रानी फिर भी उतारो तेरे आरती। जय
बाते हमारी हर ताते मुराने भिंडी मोतारों करिया। देखिए कुछ लोग तो साधारण आरती उतारते हैं महाराज, और कुछ लोग जो ज्यादा भक्त होते हैं नंबर दो वो कैसे आरती उतारते हैं नंबर टू। ओ रानी फिर भी उतारू तेरी आरती, रानी फिर भी उतारू तेरी आरती, जय हो दैपत्री रानी करती हो बाते हमारी हर तारती, फिर भी वो तारों तेरी आरती, जय हो दौलतिया करती हो मतवा बात हमारी हर तारती। अग्रिम लाइनों में बड़ी सुंदर आरती करते हैं, कहते तुम बच्चों की मम्मी प्यारी, ओ सास की बड़ी दुलारी, सासू की बड़ी दुलारी, ओ कभी अगर जो रूठो करती खटिया खड़ी हमारी, कि हमको अक्सर हड़काने वाली उल्लू बनाने वाली सेवक को काहे फटकारती, ओ रानी फिर भी उतारू तेरी आरती, हमको अक्सर हड़काने वाली उल्लू बनाने वाली सेवक को काहे फटकारती। आप लोगों ने देखा है हमारे देश में जो अनेका अनेक माता जी मेरी अनेका अनेक आदि शक्ति महारानियां हैं, उन्हें क्या पसंद है धूप दीप नैवेद्य फूल माला, लेकिन पत्नी महारानी की पसंद धूप दीप कुछ तुम्हें न सोहे अगर कपूरी न बाती, अगर कपूरी न बाती हो अगर धूप दीप कुछ तुम्हें न सोहे अगर कपूर न बाती, तो फिर पत्नी महारानी की पसंद क्या है क्रीम पाउडर लाली लख लख तुम हर दम हर साथी, तुम किस दिन हर साथी क्रीम पाउडर लाली लख लख क्रीम पाउडर हर दम हर साथी तुम निश दिन हर साथी, तुम तो लगती हो भोली भाली लेकिन हो एक दो नाली। आ गए हमारे माननीय जी, जय हो। वाह बोले यज्ञ भगवान की, सचंडी महायज्ञ की जय। लेकिन महाराज हमें तो आज सचंडी महायज्ञ की पावन बेला पे अनेका अनेक संत विद्वानों की सुंदर गरिमामय उपस्थिति और बड़ी देर से प्रतीक्षा थी। हरिओम। वो हमारे माननीय जी मंत्री जी हमारे बीच, सभी लोग ताली बजा के एक बार अभिनंदन और वंदन। मैं अपनी तरफ से यज्ञ समिति की तरफ से माननीय मंत्री जी का लखनियापुर दरबार में सादर वंदन अभिनंदन। हरिओम।
बड़े सच्चे दरबार की, भक्त और भगवान की। हमारे बीच हरिओम हरिओम हरिओम। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी उपस्थित हैं। आप नागरिक उड्डयन, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज उत्तर प्रदेश सरकार के हरिओम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान काल में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन फिर भी इस महाआयोजन में वह अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में पधारे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस सचंडी महायज्ञ एवं ग्रामोत्सव के कार्यक्रम में आप सभी बंधुओं के बीच में माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं। इस अवसर पर हम नवनीत जी, अभिषेक त्रिपाठी बलदाव जी, ललित तिवारी जी, राम सनई पांडे जी, सुनील पांडे जी, विक्रम सिंह प्रधान जी, श्याम बिहारी शुक्ला जी, उत्तम मिश्र जी, आलोक मिश्र जी, अरविंद दीक्षित जी और शिव कुमार दीक्षित जी और श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी, श्री नवनीत जी के पिताजी से